अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो आप एक और चुनाव की उम्मीद मत कीजिएगा। आपके सामने देश का जो संविधान और नक्शा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इसको पहचान भी नहीं सकते। आप लाल किले से हेट स्पीच सुनेंगे, पूरा खुला खेल हो जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक है। जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, किसानों या फिर लद्दाख जैसा हाल पूरे देश में होने वाला है। ये दावा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और नामी अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का। एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो देश का क्या हाल होगा, जिसके जवाब में उन्होंने बीजेपी को जमकर सुना डाला। कांग्रेस पार्टी ने भी परकला प्रभाकर का ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ कांग्रेस ने इस बात को जोर देते हुए लिखा है कि परकला जी मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। परकला ने आगे और क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव शहर में आएं, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलिए। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। तो बात हो रही थी परकला प्रभाकर के इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू उन्होंने पत्रकार दीपक शर्मा को दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब वो बीजेपी पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उन्होंने कहा था कि भविष्य में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को खूब उठाया जाएगा। सब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। देश के मतदाता सरकार को इस घोटाले की सजा जरूर देंगे। इसके अलावा परकला प्रभाकर ने मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाया था। साल 2019 में द हिंदू अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात में है। भाजपा सरकार के पास अर्थव्यवस्था को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए बीजेपी को पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक मॉडल को अपनाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो आंध्र प्रदेश सरकार की संचार सलाहकार रह चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फेलो रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक परकला प्रभाकर का पूरा परिवार नरसिम्हा राव का करीबी रह चुका है। परकला प्रभाकर की मुलाकात निर्मला सीतारमण से जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों की शादी साल 1986 में हुई। निर्मला का झुकाव भाजपा की तरफ और परकला प्रभाकर का झुकाव कांग्रेस की पॉलिटिक्स की तरफ रहा। प्रभाकर जो है आर्थिक मुद्दों पर लंबे समय से लिखते रहे हैं। इसके साथ ही वो द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।